हे एवरीवन, बहुत सब बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर। जल्दी जल्दी मुझे आप एक बात बता दीजिए, फटाफट 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 सारे के सारे लोग बता देंगे कि क्या आप लोगों को मेरा ऑडियो, क्या आप लोगों को मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, ताकि मैं इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत कर सकता हूँ एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से। यस, क्या बात है, चलो आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे एकदम क्विकली। आज फेमा का हमने रिवीजन सेशन रख लिया, ठीक है, शाम में। मैं वैसे कल सुबह लेने वाला था बट शाम में ठीक लग रहा था, थोड़ी खांसी वगैरह सर्दी खांसी कम लग रही थी, तो मैंने सोचा एक सेशन आपके लिए आज ही शेड्यूल कर देता हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फेमा का रिविजन करेंगे। नया नया एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है बेटा, May 24 में इसका पहला अटेम्प्ट होने वाला है। कम से अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूँ, वही अगर नवंबर वगैरह कोई एस्पिरेंट्स होते हैं तो एक फिर एक आधा अटेम्प्ट यहाँ पे निकल जाता है, ठीक है। चलिए आ जाएंगे सारे के सारे लोग। मैं आपको शुरुआत करने से पहले बता दूं, अगर आपने अल्टीमेट सीए के टेलीग्राम चैनल और मेरे सीए इंद्रेश गांधी, ये दो चैनल को अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे रिविजन लेक्चर्स आते हैं उसके बारे में मैं आपको तुरंत में अपडेट कर सकूँ, राइट। चलिए सर, फेमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक इसका पार्ट है डेफिनेशंस का, और दूसरा इसका रेगुलेशंस का पार्ट है, जिसके अंदर हमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ना है। करंट अकाउंट में टोटल तीन शेड्यूल्स यहाँ पे हम देखेंगे, Schedule 1, 2 and 3, और यहाँ पे Schedule 1 and 2 के बारे में हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्ट के बारे में, कि आखिर ये एक्ट की जरूरत क्यों थी। तो पहली बात ग्लोबलाइजेशन, दूसरी बात लिबरलाइजेशन, ये दोनों चीजों के कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा कैपिटल इनफ्लो और आउटफ्लो आना चालू हुआ, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब कि इंडिया का दूसरे देशों के साथ धंधा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे कि इसके अंदर एक एक्ट की जरूरत थी जो क्या रेगुलेट करे, किसको रेगुलेट करे, या जो रेगुलेट नहीं कहूंगा मैं, कहूंगा जो मैनेज करे, किसको मैनेज करे, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करे, मतलब कि जितना भी डॉलर या जो समझ लो इंडियन करेंसी को छोड़ के जितना भी पैसा इंडिया में आ रहा है दूसरे करेंसी का, उसको कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे अपने पास रखना है, उससे रिलेटेड एक एक्ट की बहुत ज्यादा नीड थी, जिसको इन्होंने फेमा का नाम दिया है। क्या नाम दिया है बोलो जल्दी से, जिसको इन्होंने फेमा का नाम यहां पे देके रखा है। क्या आप बात को समझे? यस सर। अब देखो सर, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रीएम्बल एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ फेमा। जनरली सेक्शन नंबर 1 किसी भी एक्ट का इसी के बारे में बात करता है कि एक्ट कहाँ अप्लाई होता है, कब से चालू होता है, प्रीएम्बल क्या कहता है। प्रीएम्बल का मतलब होता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट, मतलब ये एक्ट जब बन रहा था तब लॉ मेकर्स के माइंड में क्या था, वो क्या एम करना चाहते थे। तो देखो यहाँ पे द एक्ट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज, और ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितना भी एक्सटर्नल पेमेंट एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट है, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट का मतलब होता है इंडिया का दूसरे देशों के साथ जो धंधा है और उससे रिलेटेड पेमेंट है उसको फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट मतलब लोगों को इजी बना के देना, और दूसरा ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, और कैसे अपन फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट इंडिया में ग्रो कर सकते हैं। सर फेमा कहां पे अप्लाई होता है, होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। इसके अलावा ऐसे ब्रांच ऑफिस या एजेंसी जो इंडिया के बाहर है लेकिन जिसको इंडिया वाले कंट्रोल करते हैं, यानी कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, हम लोग आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे कौन होता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर वो कंट्रोल होते हैं तो वो ब्रांचेस ऑफिस और एजेंसीज के ऊपर भी फेमा लगता है। एग्जांपल के लिए मान लो रिलायंस का एक एजेंसी या रिलायंस का एक ब्रांच ऑफिस ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस के ऊपर भी फेमा के रूल्स और फेमा एक्ट लगने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर लगने वाला है, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा सर अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है आउटसाइड इंडिया तो उसके ऊपर भी ये एक्ट लगेगा क्या? डेफिनेटली लगने वाला है। आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। अथराइज पर्सन का मतलब क्या होता है? तो अथराइज पर्सन का मतलब होता है कोई भी अथराइज डीलर, जनरली बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI बैंक, ये अथराइज डीलर होते हैं, ये मनी चेंज आपको करके देते हैं, मनी चेंजर, या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब ऐसी बैंकिंग यूनिट जो SEZ के अंदर बनाई
जाती है और उसका काम ही होता है कि जो SEZ के यूनिट्स है उसको लोन सप्लाई करना। तो ये और या एनी पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम जिसको अथराइज करे वो अथराइज पर्सन बोला जाता है। आप लोग जानते हैं अथराइज पर्सन का रेलेवेंस क्या है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज में आप डील करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज को देना चाहते हैं, तो अथराइज पर्सन को विदाउट साथ लिए क्या आप फॉरेन एक्सचेंज के कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो क्या? नहीं सर, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन हम लोग नहीं कर सकते। ये सारी बातों को हमने देखा है। फिर सर हम लोग पढ़ेंगे अब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन को। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकिन अभी मैं बता दूं आपको, सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन जो एक पर्सन रेसिडेंट इंडिया, मतलब अगर कोई PRI है जिसे बोला जाता है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसके अगर असेट लाइबिलिटी या कंटिंजेंट लाइबिलिटी को अल्टर का मतलब होता है चेंज करता है, चेंज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, और ये कहाँ पे हो, ये आउटसाइड इंडिया अगर हो, तो मैं कहता हूं इसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। सर मान लो मैं एक PRI हूं, एग्जांपल, अब PRI क्या होता है आगे पढ़ेंगे, तो मान लो मैं एक PRI हूं, मैं दुबई में एक फ्लैट खरीदता हूं, मैं कहूंगा आपके साथ ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मैं दुबई से लोन लेता हूं क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही है, मैं कहूंगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। मान लो मैं यहां पे दुबई में कोई शेख है, मैं वो शेख लोन ले रहा है तो मैं उसके लिए बिहाफ में गारंटी दे रहा हूं, मतलब मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटी इनकर हो सकती है। आज तो लायबिलिटी नहीं है लेकिन कल कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जहां पे मेरी लायबिलिटी इनकर हो सकती है, तो मैं कहूंगा आपके साथ ये मेरे लिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर कोई PROI है, यानी कोई बाहर का व्यक्ति है बेटा, मान लो कोई गोरा है, वो इंडिया में असेट या लायबिलिटी उसकी अगर बन रही है, तो ऐसे केस के अंदर उसे भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में लपेट लेते हैं, उसके कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपन उसके कंटिंजेंट लायबिलिटी को अपन कैपिटल अकाउंट में लेते हैं क्या? नहीं लेते। देखो यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस व्हिच अल्टर्स असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और असेट और लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और जो भी ट्रांजैक्शन 6(3) के अंदर है, यानी 6(3) के अंदर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे RBI ने दिया है, तो ऐसे केस के अंदर उसको भी इन्होंने कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में बताया गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पे बोला गया है। क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब सर करेंसी के बारे में बात करेंगे। करेंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी करेंसी नोट, जैसे कि अपन देखते हैं जो भी नोट वोट है, क्या मेरे जिम में देखता हो रहा, होना मुश्किल है, मुश्किल से 10 रुपये एक महीने की सैलरी होना निकल जाएंगे। देखो ये मैंने बोला ना आपको, देखो 10 रुपये मिले तो ऐसे कि इस 2 नोट निकलेंगे तो 2 महीने की सैलरी हो गई। अब अगर मैं बात करूँ तो करेंसी नोट हुआ, इसके अलावा पोस्टल नोट्स हो गया या पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जिससे आप पेमेंट कर सको, मतलब RBI कहती है वो सारे इंस्ट्रूमेंट जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, जिससे आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ पैसा दे सकते हो ना, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? उसको अपन लोग करेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? उसको अपन लोग करेंसी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। करेंसी 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 कहते हैं, ठीक है ना? यस सर। अब देखो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में बात करेंगे। सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें करंट आता, मतलब क्या कि सर अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेकिन जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग में कैपिटल को छोड़ के सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट। फिर वो हो सकता है फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हो, सेल परचेस से रिलेटेड हो, ट्रेड हो गया, अदर करंट बैलेंस या सर्विसेज, या कोई शॉर्ट टर्म बैंकिंग। तीन शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? 12 महीने से कम। तो 12 महीने से कम के लिए किसी ने लोन दिया या कोई क्रेडिट फैसिलिटी दिया, ये सारी चीजें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर आते हैं। सर इसके अलावा अगर लोन के ऊपर का इंटरेस्ट है या आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से डिविडेंड मिल रहा, तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है। इसके अलावा मान लीजिए बेटा पेरेंट्स, स्पाउस या यहां पे चिल्ड्रन अगर इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिविंग, उनके मतलब रहने के खर्चे अगर मैं इंडिया से रेमिट कर रहा हूं, रेमिट का मतलब होता है पेमेंट कर रहा हूं, तो उसे भी क्या बोला जाता है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। और इसके अलावा सर फॉरेन घूमी घूमी जा रहे हो, या एजुकेशन का खर्चा है, या मेडिकल का खर्चा है पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन का, तो मैं कहूंगा अगेन उसे भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में बना के रखा है। ये सब क्लैरिफिकेशन से एक प्रकार से आप ऐसा समझो, आपने बस ये देखना है कि कैपिटल को छोड़ के वो सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की श्रेणी में आने वाले हैं, बस आपने इतना यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है ना? चलो
अब सर एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। मान लो सर कोई भी गुड्स है, कोई भी गुड्स है जो इंडिया के अंदर है, मैं अगर उसको इंडिया के बाहर ले जा रहा हूँ बेटा, तो उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है। यहाँ से गुड्स चाइना भिजवा रहा हूँ, यहाँ से गुड्स नेपाल भिजवा रहा हूँ, भूटान भिजवा रहा हूँ, श्रीलंका भिजवा रहा हूँ, पाकिस्तान चेचे ऑस्ट्रेलिया भिजवा रहा हूँ, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूँगा सर इसे एक्सपोर्ट बोला जाता है। सर सेम सर्विसेज के साथ भी होता है। मान लो एक बच्चा है बेटा जो दुबई से लेक्चर, क्योंकि दुबई में भी सीए चलता है इंडिया का, तो दुबई से लेक्चर देखता है, तो मतलब क्या हुआ हमारी सर्विसेज दुबई, अल्टीमेट ये इंटरनेशनल बन रहा है, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा इसे भी एक्सपोर्ट का नाम दिया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एक्सपोर्ट का नाम यहां पे दिया जाता है। फॉरेन करेंसी के बारे में बात करूंगा। अपने करेंसी को छोड़ के बाकी कोई भी करेंसी, रुपीज को छोड़ के जितनी भी बाकी करेंसी है फॉरेन करेंसी माना जाता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? देखो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन करेंसी आती है और क्या क्या इंक्लूड होता है। कोई भी एसेट, डिपॉजिट, क्रेडिट या बैलेंस जो कोई पेबल हो फॉरेन करेंसी के अंदर, मान लो डॉलर में, येन में, पाउंड में पेबल हो, मान लो किसी बैंक अकाउंट में $10,000 पड़े हुए हैं, मैं कहूंगा ये फॉरेन एक्सचेंज है बेटा। इसके अलावा सर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे कि ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल ऑफ एक्सचेंज, जो एक्सप्रेस या ड्रॉ किया गया है इंडियन करेंसी में लेकिन उसको पे करना है अपने को फॉरेन करेंसी में। जैसे मान लो मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज फाड़ा यहाँ पे ₹1,00,000 का, और मैंने ये किसको दे दिया? मैंने ये चाइना के चुंगली को दे दिया। अब चुंगली क्या यहाँ पे रुपीज में पेमेंट एक्सेप्ट करने वाला है क्या? नहीं सर, वो कन्वर्ट होंगे वहां के करेंसी में और उसको पेमेंट किया जाएगा, बराबर। तो मैं कहूंगा आपको ये भी माना जाता है फॉरेन एक्सचेंज। या इसके अलावा सेम इंस्ट्रूमेंट जो बाहर के इसमें ड्रॉन है लेकिन पेबल है इंडियन करेंसी में, मान लो पाउंड में, या मान लो मैंने पीटर से कोई ट्रांजेक्शन किए जो यहाँ पे कहा है, जो यूएसए में रहता है, $10,000 का मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, लेकिन जब इंडिया में आएंगा तो मैं डॉलर थोड़ी दूंगा बेटा, रामू का डॉलर को एक्सेप्ट करेंगे, वो बनेगा ई का है बबुआ, वो ऐसा बोल के फाड़ देंगे उस नोट को। तो ऐसे केस में मैं कहूंगा मुझे इंडियन रुपीज चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? कन्वर्ट होगा। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बनाया गया है फॉरेन करेंसी में लेकिन उसका पेमेंट होने वाला है इंडियन करेंसी के अंदर, तो हम लोग क्या कहेंगे सर? उसे भी बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोला जाता है? बोलो, फॉरेन एक्सचेंज का नाम यहां पे दिया जाता है। पर्सन टैक्स की डेफिनेशन मजा आ गया आपको, पढ़ लेना इसको, मजे ले लेना इसके। उसके बाद बात करूंगा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में। बहुत बढ़िया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या कहता है? हम पूछेंगे भाई पिछले साल तो 182 डेज या उससे ज्यादा, 182 डेज से ज्यादा तो इंडिया में था क्या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में? तो हम बोलेंगे तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है ना। तो सारे स्टेटस में जो पिछले साल का स्टेटस है, मान लो इस साल मैं पीआर हूं तो अगले साल डीम्ड पीआर है मान लिया जाता है, लेकिन अगर अगले साल मान लीजिए मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं बेटा, समझना, इंडिया के बाहर फिर से उड़ चला, समझ, सफरनामा, तो ऐसे केस में अगर मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूं तीन कारणों की वजह से, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, या कोई अनसर्टन पीरियड में स्टे करने के लिए, मेरा इंटेंशन है इंडिया के बाहर रहने का अनसर्टन पीरियड के लिए, ये तीन कारणों के वजह से अगर मैं इंडिया के बाहर जाता हूं, मुझे PROI कह देना, यानी कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कह देना। लेकिन सर मैं इंडिया के बाहर घूमी के लिए जा रहा हूं, घूमने के लिए जा रहा हूं, मैं PRI मानूंगा। केवल तीन चीजें होंगी तब जाके मैं PROI माना जाता हूं। सर मान लो बाहर के देश का कोई व्यक्ति, मैं बिल्ली के बारे में बात करूंगा, बिल गेट्स बेटा आपका, आपके लिए बिल गेट्स, मेरे लिए बिल्ली। अब बिल्ली मान लीजिए इंडिया में आता है घूमी करने के लिए, गोवा घूमने के लिए, तो ऐसे केस के अंदर वो PROI ही माना जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, लेकिन बिल गेट्स इंडिया में आता है, बोले आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड में काम करूंगा, एम्प्लॉयमेंट करूंगा, आईजी सर के साथ धंधा करूंगा, अल्टीमेट सेम है। तीसरा क्या बोला जा रहा है? अनसर्टन पीरियड के लिए वो रहने इंडिया आ जाता है, नागपुर में आऊंगा, बोले संतरे का धंधा करेंगे। मैं कहूंगा आपके साथ ये तीन पीरियड के लिए अगर बिल्ली आया इंडिया, तो अपन लोग उसको क्या बोलेंगे? बोलिए ना, पधारो मारे देश, मतलब अपन उसको PROI घोषित कर देते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं। समझ गए क्या आप बात को? बोलो ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है, PROI मतलब कौन? तो PROI मतलब जो पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा, मतलब PROI। इस साल में वो इंडिया के बाहर जाता है, तीन पर्पस से PROI बोल देना। सर इंडिया में आ रहा है तो अपन लोग उसको तीन पर्पस के लिए, तो अपन उसको PROI ही मान लेते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मान लेते हैं क्या? आप इस बात को समझे, सारे लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर।
मुझे बताइए, कोई कॉरपोरेट ऑफिस है अगर वो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, वो पीआरआई माना जाता है सर। अगर जैसे रिलायंस इंडिया में रजिस्टर्ड है पीआरआई, अल्टीमेट सीए इंडिया में रजिस्टर्ड है पीआरआई, अब अल्टीमेट सीए सिंगापुर में एक ब्रांच खुलता है बेटा, तो वो ब्रांच भी क्या माने जाता है, पीआरआई बोला जाता है। बोलो ना क्या माना जाता है, पीआरआई यहाँ पे बोला जाता है। तो ऑफिस ब्रांच एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन एंड कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो उसे भी अपन लोग पीआरआई मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपन पीआरआई घोषित कर देते हैं। क्या आप इतना समझे क्या? यस यस सर, एकदम बढ़िया से समझ गया करके, ठीक है। अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया मतलब हु इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया, वाह क्या बोला है करके। ट्रांसफर में सेल परचेज मॉर्गेज प्लेज गिफ्ट सब कुछ आ जाता है। सिटीजनशिप कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता पीआरआई या पीआरओआई देखने के लिए। पीआरआई या पीआरओआई के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि कितना इंडिया के अंदर रहा है और कितना इंडिया के अंदर नहीं रहा है करके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। अब आरबीआई के दो क्लैरिफिकेशंस, एक क्लैरिफिकेशन से वैसे तो मैं आपको दो बता देता हूँ, लेकिन पहला क्या है, अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है तो उसे आप कैलकुलेट कर लेना कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन के लिए कर रहा है तो पार्ट टाइम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में जुड़ ही जाता है। तो ऐसे केस में उसे आप उसे आप पी आर ओ आई ट्रीट कर लेना, पहला बोला आरबीआई ने। दूसरा बोला कि अगर कोई मैरिड वुमेन है वो अपने हस्बैंड के पीछे पीछे चले जाती है बाहर, तो उसे अनसर्टेन पीरियड में कैलकुलेट कर लेना और उसको भी पी आर ओ आई बना देना। और तीसरा एयर होस्टेस वाला अपन ने देखा था एग्जाम्पल क्लास के अंदर, आलिया वाला, ये देखो इलस्ट्रेशन दिया होगा आलिया वाला। हाँ, तो आलिया अगर मुंबई में आती है और 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहती है, लेकिन समझना वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट के कारण वो ले ओवर था इसलिए वो यहां पे आके इंडिया में उसको 182 डेज से ज्यादा रहना पड़ा, तो आप उसको जबरदस्ती पीआरआई मत घोषित कर देना, नहीं बोले तुम पीआरआई बनो करके, ऐसा नहीं होता। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आई, एम्प्लॉयमेंट के वजह से वो इंडिया में आई, तो अपन उसको पीआरओआई ही रखेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, पीआरओआई ही रखेंगे। क्या आपको सारी बातें याद आ रही है? बोलो मुझे जल्दी से, क्या आपको सारी सारी बातें याद आ रही है क्या? हाँ सर, एकदम बढ़िया से याद आना चाहिए रे बेटा, याद आना चाहिए अपने को, है ना। देखो यहाँ पे मैंने आपको लिखवा के भी दिया था, पूरे क्लास के नोट्स अपने बने हुए हैं यहाँ पे। तो अपन ने क्या क्या देखा सर, क्या क्या देखा, क्या क्या देखा, कहा गया पीआरआई। देखो पीआरआई का मतलब क्या होता है सर, ऐसा जो इनकॉर्पोरेट पीआरआई ऊपर गया क्या? नहीं सर, 182 अच्छा वो मैंने वो चार्ट में बनाया था, ठीक है समझ गया मेरे को। तो पीआरआई के अंदर अपन ने क्या देखे थे सर, पीआरआई के अंदर अपन पहला पूछेंगे, भैया तू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे तो बहुत अच्छी बात है सर। दूसरा बोलेंगे 182 डेज से ज़्यादा नहीं रहा कोई बात नहीं, तू इंडिया के अंदर आ रहा है तीन पर्पज़ के लिए हम तेको पीआरआई बनाएंगे। तू पीआरआई है और इंडिया के बाहर जा रहा है तीन पर्पज़ के लिए हम तुझे पीआरओआई बनाएंगे। देखो मैं अगर बात करूँ ये टाइमलाइन है बेटा, अगर यहाँ पे 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह गया तो पक्की बात है ये पीआरआई बनेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है तो आप अज्यूम कर लेना पीआरआई, लेकिन वो अगर अगस्त में ओ सफरनामा करके अगर वो इंडिया के बाहर जा रहा है और तीन पर्पस के लिए जा रहा है तो यहां से वो पीआरओआई ट्रीट होना चालू हो जाने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहां से वो ट्रीट हो जाएगा पीआरओआई। जमा क्या सारे लोग बोलो, बात समझ में आ गई है क्या? बात समझ में आ गई है क्या, है ना। यस सर, चले आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट बात करेंगे रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट सेक्शन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ये जो सेक्शन नंबर 3 है बेटा, सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, नो पर्सन, कोई भी पर्सन डील नहीं करेगा फॉरेन एक्सचेंज जब तक मतलब विदाउट अथराइज पर्सन, कोई भी व्यक्ति डील या ट्रांसफर नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी किसी भी पर्सन को, कोई भी किसी को पेमेंट नहीं कर सकता अथराइज पर्सन के बिना, या किसी पर्सन से पैसा नहीं ले सकता अथराइज पर्सन के बिना। तो अथराइज पर्सन इनवर्ड रेमिटेंस देना हो, आउटवर्ड रेमिटेंस, देखो इनवर्ड रेमिटेंस हो आउटवर्ड रेमिटेंस हो कुछ भी हो, क्रेडिट देना हो एक्सचेंज करना हो कुछ भी करना हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर एंटर भी करना चाहते हैं तो आपको अथराइज पर्सन की जरूरत लगेंगी क्या? हाँ सर, मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी का, कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन विदाउट अथराइज पर्सन यहां पे किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, ऐसा यहां पे सेक्शन नंबर 3 कहता है। कौन कहता है बोलो? सेक्शन नंबर 3 यहां पे कहता है, ठीक है ना। तो ट्रांजेक्शन अबव आप कैरी कर सकते हो अगर अदरवाइज बोला गया या जनरल या स्पेसिफिक परमिशन लगी आरबीआई की, जो अपन आगे देखते हैं, तो आप यहां पे वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलो अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सेक्शन नंबर 5 की और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस करना। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल, और इंक्लूड करेंगे कौन से, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में धंधे के ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट होगा, शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी करंट अकाउंट होगा, सर इंटरेस्ट लोन के ऊपर का इंटरेस्ट करंट अकाउंट होगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर की इनकम जैसे डिविडेंड करंट अकाउंट होगा। सर मान लीजिए कोई लिविंग एक्सपेंसेस है पेरेंट्स स्पाउस या चिल्ड्रन के जो बाहर रह रहे हैं हम लोग कहेंगे वो भी करंट अकाउंट होगा। सर कोई भी फॉरेन ट्रैवल या एजुकेशन से रिलेटेड खर्चा करंट अकाउंट होगा। अब अगर आरबीआई चाहे तो करंट अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं जनरल रूल क्या होता है। जनरल रूल होता है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर परमिसिबल ट्रांजैक्शन, मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन करंट है मतलब ये बात है कि समझना, मतलब जब तक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लाया जाता ना तो अपन अज्यूम कर लेंगे, अपन लोग मान लेंगे कि गवर्नमेंट ने ये ट्रांजैक्शन को अलाउ करके रखा है, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे रखी है। तो इन्होंने आपको प्रोहिबिटेड की लिस्ट दी है। क्यों प्रोहिबिटेड की, क्योंकि ये आप कर नहीं सकते, इसके अलावा आपको जो करना है वो करो, हम आपको रोकेंगे नहीं, हम आपको टोकेंगे नहीं, बराबर। तो शेड्यूल वन करंट अकाउंट का शेड्यूल वन ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड के बारे में बात करता है। शेड्यूल टू ट्रांजैक्शन कहता है आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो लेकिन इसके लिए परमिशन, ये तो आप कर ही नहीं सकते, सर एलियन क्यों ना धरती पे आ जाए हम आपको ये ट्रांजैक्शन करने नहीं देंगे। परमिशन मतलब आप कर सकते हो परमिशन लेके। और तीसरा अरे बिंदास करो लेकिन लिमिट के अंदर करना, हम आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे देंगे, वो लिमिट के अंदर आप ये ट्रांजैक्शन करना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, बराबर है ना। यस सर ऐसी बात यहां पे की जा रही है, सारे के सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे तो शेड्यूल वन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब शेड्यूल वन में देखो क्या बोला, ट्रांजैक्शन फॉर विच द विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाता है, प्रोहिबिट हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है करच नहीं सकते। कैसा, रेमिटेंस ऑफ लॉटरी विनिंग। मान लो सर बाहर का कोई देश का व्यक्ति है, बिल गेट्स इंडिया में आता है, लॉटरी खेलता है, जीतता है, यहाँ पे 1,00,000 रुपए लगाए, 1,00,000 रुपए जीता, अब वो कहता है मैं इसको वापस यूएसए ले जाना चाहता हूँ, हम कहते हैं रुक जा बेटा ये ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। मतलब अगर आपने लॉटरी विनिंग का पैसा जीता आप इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते। सर इंडिया में बिल गेट्स आता है, घोड़ों पे पैसे लगाता है बेटा और इनकम करता है, और उसके बाद बोलता है कि मैं लेके जाना चाहता हूं बाहर, हम उसको बोलेंगे ठहर जा बेटा, हमारे किसके ऊपर, हमारे ये जो तिजोरी है उसके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, लाया तूने 1,00,000 लेके तू 1,00,000 रुपए जा रहा है, ऐसे कैसे ले जान देवे हम। उसके बाद बोला लेकिन यहां पर मान लो मैं रिया के बारे में बात करूं, वैभव के बारे में बात करूं, ये सब लोग पी आ रहा है, इनको बड़े शौक लगे हैं कि चलो बाहर की लॉटरी खेलेंगे, चलो मैगजीन्स ऑर्डर करेंगे जो बैंड है, चलो फुटबॉल पूल्स मतलब बाहर के देशों में फुटबॉल बहुत चलता है, वहां पे सट्टे लगाएंगे फुटबॉल के ऊपर, और स्वीपस्टेक्स मतलब वहां पे जो घोड़े के ट्रांजैक्शन से वहां पे स्वीपस्टेक्स बोला जाता है, तो घोड़ों के रेस के ऊपर पैसा लगाएंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला है हम इसके लिए भी आपको पैसा नहीं देंगे। समझ गया बात को, बाहर के देश से कोई लॉटरी जीता, घोड़े के ऊपर पैसे जीता या कोई भी ऐसी अदर हॉबी पे जीता, बाहर नहीं ले जाने देंगे पैसा, और इंडिया से कोई व्यक्ति सट्टा लगा नहीं सकता बाहर के देशों में, उसके लिए आपको पैसा देंगे क्या, नहीं सर उसके लिए आपको पैसा नहीं देंगे, ऐसा यहां पे बोल के रखा है। क्या आप इस बात को समझे, क्या सारे लोग बताइए जल्दी से, तीन बातें आपको समझ में आ गई है क्या, एकदम इजी इजी सिंपल सिंपल बिल्कुल, है ना। जो भी ये तीनों ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो लॉटरी से रिलेटेड है, बस लॉटरी याद रख लिया तो आपको ध्यान रह जाते तीन, तो एक तो लॉटरी विनिंग का बाहर से कोई ले जान नहीं देंगे, घोड़ों का ट्रांजैक्शन जीता ले जान नहीं देंगे, और यहां से लगाने नहीं देंगे, ये तीन तो याद रह जाते। फिर उसके बाद आपको याद रखना है क्या, देखो यहाँ पे पेमेंट ऑफ कमीशन क्या बोला है, यहाँ पे बोलो पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर या होल्ली ऑन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी। ये देखो बहुत ही प्यारा बोला है यहाँ पे, मैं आपको एक जबरदस्त बता रहा हूँ, सर एक इंडियन कंपनी है, क्या है बोलो इंडियन कंपनी है, जैसे मैं बात करूंगा टाटा के बारे में, अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे, टाटा मोटर ने क्या किया, इंजन क्या किया बोलो जल्दी से, इंजन भेजा, कहाँ भेजा इंजन, इंजन जर्मनी में भेजा, कहाँ भेजा बोलो जल्दी से, जर्मनी में भेजा, मेलोनी जी के पास है ना, जर्मनी में भेजा। अब ऐसे केस में क्या होता है, टाटा वहां पे एक कंपनी खोलना चाहता है, ये कंपनी को होली ओन सब्सिडरी या इस कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहता है, और ये जो इंजन एक्सपोर्ट किया ना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो ये जो इंजन एक्सपोर्ट किया ना जर्मनी में, ये इस कंडीशन के ऊपर किया, समझना बात को, कि इसके बदले में हमको फॉरेन एक्सचेंज या पैसा नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, इस कंपनी के अंदर इक्विटी चाहिए,
मतलब देखो, इक्विटी दो तरीके से खरीदी जाती है, कैश में, काइंड में। तो ये काइंड के लिए इन्होंने इंजन भिजवा दी है, समझ रहे हैं बात को। तो इनका क्या कहना है गवर्नमेंट का कि ऐसा एक्सपोर्ट जिसके बदले में आपने फॉरेन एक्सचेंज नहीं लाया, तो उस एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर वहां पे आप कमीशन देने की कोशिश करोगे ना, तो आप हमें मूर्ख बना रहे हो। हम आपको कमीशन देने देंगे क्या? हम आपको कमीशन नहीं देने देंगे। तो बैन किसके ऊपर है? ये एक्सपोर्ट, ऐसे एक्सपोर्ट जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के टूवर्ड्स होते हैं, उसके कमीशन के ऊपर यहाँ पे बैन लगा के रखा है। क्या आप बात को समझ गए? सारे लोग बोलो पानी पानी कंसेप्ट। आइए उसके बाद बात करूंगा आप किसके बारे में। अब देखो, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। देखो क्या होता है सर, इंडिया में एक कंपनी आई है बेटा, ठीक है, इंडिया में एक कंपनी आई है। अब ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी क्या करती है? चाइना में एक कंपनी खोलती है, ये मॉरिशियस में एक कंपनी खोलती है, ये जापान में एक कंपनी खोलती है। चाइना के कंपनी से इसको $10,000 का डिविडेंड आया, यहाँ के कंपनी से इसको $20,000 का डिविडेंड आया, यहाँ के कंपनी से $30,000 का डिविडेंड आया। तो टोटैलिटी में कितना आ गया? $60,000 का डिविडेंड आ गया। अब ये कंपनी क्या करना चाहती है? ये कंपनी जो अपनी पैरेंट कंपनी है, यूएसए की जो कंपनी है जो इंडिया में आके बसी थी ना, तो अपने पैरेंट कंपनी को ये मान लीजिए $1,00,000 भिजवाना चाहती है। हम कहेंगे अरे भैया, जब तूने लाया ही बाहर से $60,000 है, तो तू बाहर $1,00,000 कैसे भिजवा रहा? डिविडेंड कहीं बैलेंस नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटेंशन है तुम हमारे फॉरेन एक्सचेंज को खा जाओ करके, हम आपको नहीं देने देंगे, बस खत्म हो गई बात। हमको हम आपके ऊपर लिमिट लगा देंगे, कितने का? $60,000 का लिमिट लगा देंगे। आप चाहे तो $60,000 तक भिजवा देना, उससे ऊपर हम आपको अलाउ करेंगे क्या? नहीं सर, उससे ऊपर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। क्या बोला? बोलो, उससे ऊपर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इसे डिविडेंड बैलेंसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, डिविडेंड बैलेंसिंग बोला जाता है। लेक्चर पसंद आ रहा है लाइक करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है, लेक्चर लाइक करना। और उसके बाद बात करूंगा क्या सर, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टू द रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन टू द 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको। क्या भारी पॉइंट बोला गया देखो, पर लिखे तो ऐसे स्टेटमेंट है कि बच्चे मतलब परेशान हो जाए लेकिन मतलब ना समझे किसी को। देखो इनका क्या कहना है, मान लीजिए कोई भी कंट्री के बारे में बात करो, ठीक है, ओके सर। अब इस कंट्री के पास है ना बहुत सारा रुपीज में पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि पहले क्या था समझ लो, 1991 के समय तो अपने पास बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज था, लेकिन पहले के इसमें अपने पास उतना फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तो अपन बाहर से कुछ खरीदते थे ना, तो अपन उनको रुपी दे देते थे कि तुम थोड़ा ज़्यादा, ₹1,00,000 की चीज़ हम आपको ₹1,50,000 दे देते। रशिया के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन किए ना गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो पहले धनाधन रुपीज ही रुपीज भिजवाया उनको। अब ऐसे केस के अंदर क्या हुआ देखो, अब मान लीजिए सर इंडिया के अंदर क्या होता है, अब इंडिया के अंदर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ऐसे कंट्री को, ठीक है, तो वो कंट्री आपको क्या करेंगी, आपके ही समझिए ना, आपकी करेंसी वहां पड़ी है तो आपको रुपीस भिजवा देती है, डॉलर नहीं भिजवाती आपको, है ना, या बाहर की कोई फॉरेन करेंसी नहीं भिजवाती आपको, क्या भिजवाएंगे? रुपीस भिजवा देंगे। आप समझ रहे हैं? अब क्या हुआ, अब अपनी गवर्नमेंट क्या बोलती, तुमने एक तो एक्सपोर्ट किया लेकिन उसके बदले डॉलर भी नहीं लाया, अब तुम क्या बोलते कि इस एक्सपोर्ट के ऊपर हमको कमीशन देना है डॉलर में। तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको ये कमीशन नहीं देने देंगे डॉलर में, इसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज मत मांगना, आप रुपीस में ही कमीशन दे दो उनको, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा इंडिया के लोग शौकीन है दो चीज के, एक है बेटा चाय यानी कि टी, और दूसरा है तंबाकू यानी कि टोबैको, ठीक है ना। मैं चाय का शौकीन हूं, एमबी सर टोबैको के शौकीन है। अब ऐसे केस के अंदर हुआ क्या, अगर टी और टोबैको है तो हम आपको 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक हम आपको कमीशन देने देंगे, है ना, कितना बोलो जल्दी से, 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक, 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक हम लोग आपको कमीशन देने देंगे, उससे ऊपर का कमीशन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा यहां पे बोल रखा है। सारे लोग बोलो समझे क्या बात को, है ना, एकदम भारी वाला। देखिए, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूल एक्सेप्ट कमीशन टू द 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टी एंड टोबैको। लेकिन अगर कमीशन 10% तक इनवॉइस वैल्यू ऑफ टी एंड टोबैको रहा तो चलता है क्या? बिंदास चलता है सर। कॉल बैक सर्विसेज, मान लीजिए मैं बात करूंगा सूफियान के बारे में। सूफियान ने क्या किया बेटा, यूएसए की एक लड़की को पटाया। अब क्या हुआ कि बहुत सारा पैसा लगता था इसको बात करने के लिए इंटरनेशनल
कॉल, तो वहां पे यूएसए वाले बड़े चतरे, उन्होंने कॉल बैक सर्विस, बोले तुम मिस कॉल मारो ये नंबर पे, ये नंबर से हम आपको कॉल बैक करेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि यहां से 10 रुपए प्रति मिनट का खर्चा, वहां से मान लीजिए 1 रुपए मिनट का खर्चा। तो सूफियान ने बोला ठीक है कॉल बैक सर्विसेस का फायदा लूंगा, और ये जो कॉल बैक सर्विसेस सूफियान लेता था ना, इसका पेमेंट डॉलर में करने लगा। गवर्नमेंट ने बोला, मोदी जी बोले तुम्हारे बहुत बड़े शौक है सूफियान, मतलब बहुत ही हो गया तुम बात करने के लिए, हमारा फॉरेन एक्सचेंज तुम्हारे लिए है क्या, ये तुम बातें करो करके। तो ऐसे केस के अंदर मना कर दिया गया कि बस कॉल बैक सर्विसेस के लिए पेमेंट हम आपको नहीं देंगे करके। इसके अलावा मान लो सर, ये बिली जो है, बिल गेट्स अपना आता है इंडिया में, तो ढेर सारा $1,00,000 लाता है बेटा। अब इसने क्या किया, NRSA अकाउंट खोला। अब उस NRSA अकाउंट के ऊपर अपने को क्या मिलता है, ब्याज दिया इसको गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने बोला, मतलब बैंक ने दिया, तो बोला कि ये जो ब्याज है हम तेरे को बाहर नहीं ले जाने देंगे, इंडिया में इसको उड़ा डाल और बाहर चले जा, हमें कोई परवाह नहीं, जितना तूने पैसा लाया हम तेरे को उतना ले जाने देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, $1,00,000 लाया ना वो लेके जा, बिंदास लेके जा, लेकिन अगर उसके ऊपर कुछ ब्याज मिला है तो हम वो तेरे को नहीं ले जाने देंगे, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। सारे लोग बोलो बढ़िया से समझे क्या? हाँ सर एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा शेड्यूल टू के बारे में। सर शेड्यूल टू किस बारे में बात करता है? शेड्यूल, अच्छा ये कौन से ट्रांजेक्शन थे जो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे? कौन से ट्रांजेक्शन है बोलो जल्दी से, ऐसे ट्रांजेक्शन जो हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है। सूफियान बोले इंडिया वाली ही ठीक है, सूफियान रहने दो ना बेटा, है ना, चलो आओ ध्यान से, एक तुम्हारे फॉलोअर में भी एक लड़की नहीं होंगे, ठीक है आओ चलो, खैर जाने दो, रहने दे दो। अब अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल क्या लिया, तुम तो चने के झाड़ पे ही चढ़ना चालू हो गए, मतलब बहुत ही हो गए। तो आओ शेड्यूल टू के बारे में बात करूंगा सर, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको आपने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेना, अगर आप इसके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज खर्चा करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला कल्चरल टूर, सलमान भाई जो है बेटा हुडू दबंग 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 दबंग, अगर वो दबंग टूर करना चाहते इंडिया के बाहर, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD की परमिशन ले लेना और उसके बाद बिंदास दबंग टूर कर देना। ये आपको चार्ट से पढ़वा देता हूं, एकदम क्विकली और मस्त हो जाएगा, सारी चीजें उसके अंदर खटाखट कवर्ड है। अरे हो रे बाबा, है ना, आओ ये प्रोहिबिटेड वाला हुआ, अब ये अप्रूवल वाला है। देखो अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट से, सबसे पहला कल्चरल टूर बोला, मतलब दबंग दबंग दबंग, अगर आप यहाँ पे दबंग टूर करना चाहते हैं सलमान खान, तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD की परमिशन ले लेना। दूसरा सर मान लो यहाँ पे रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, अल्टीमेट सीए क्या करना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग के अंदर बेटा मैं प्राइज मनी बांटना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सी बार ऐसा होता है ये विराट कोहली चौके छक्के मारता है, उसको ₹1,00,000 का चेक दिखाते हैं, ये प्राइज मनी होता। तो प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो अब्रॉड चल रही है, बाहर चल रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला, मैं उसके लिए रेमिटेंस देना चाहता हूं, और $1,00,000 के ऊपर का अगर मैं देना चाहता हूं, क्या कहा मैंने बोलो, $1,00,000 के ऊपर का पैसा मैं देना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा यहां पे आपको HRD की परमिशन लगेंगी, ठीक है। लेकिन ये परमिशन कब नहीं लगेंगी, जब स्टेट नेशनल या इंटरनेशनल बॉडी अगर इन्वॉल्व हो, जैसे मान लीजिए अगर BCCI देती है, मान लीजिए यहां पे नेशनल क्रिकेट अकेडमी देती है, मान लीजिए BCA देती है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन देते हैं, तो वैसे केस के अंदर ये बॉडीज अगर दे रही है तो इनको परमिशन नहीं लगेंगी। लेकिन बाकी कोई भी व्यक्ति अगर बाहर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज या प्राइज मनी के दे रहा है और $1,00,000 से ज्यादा का दे रहा है, सर $1,00,000 से कम का रहा तो हमें कोई टेंशन नहीं, फिर परमिशन मत लो, लेकिन $1,00,000 से ऊपर का रहा तो आपको परमिशन लगेंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको परमिशन यहां पे लगने वाली है, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब मैं बात करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कब कब परमिशन लगेंगी। तो देखो अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो PNI क्लब की, सर ये PNI क्लब क्या होता है, एक प्रकार से ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है। तो अगर आप वो इंश्योरेंस का जो ग्रुप है, आप उसके अंदर अगर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करना है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन ले लेना। और दूसरा देखो देखो सर हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बोलो, एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं किसमें, फॉरेन प्रिंट मीडिया में, जैसा यहां पे इंडिया टुडे वैसा वहां पे यूएसए टुडे। अब यूएसए टुडे में मैं प्रिंट मीडिया करना चाहता हूं, और मैं कौन, मैं अगर स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हूं, और मैं वो फॉरेन प्रिंट मीडिया के लिए अगर $10,000 से ज्यादा का अमाउंट खर्च रहा हूं ना, तो मैं कहूंगा मुझे परमिशन लगेंगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। फिर से सर एडवर्टीजमेंट फॉरेन प्रिंट
मीडिया में, लेकिन सर फॉरेन के टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, परमिशन की जरूरत नहीं, फॉरेन के रेडियो में जरूरत नहीं, लेकिन फॉरेन प्रिंट मीडिया में हो, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू के द्वारा हो और अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो, तो मैं कहूंगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की परमिशन लगेंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगेंगी। ये परमिशन कब नहीं लगेंगी आपको? जब आप पधारो, हमारे देश है ना, समझना, पधारो कभी गुजरात में, आप ये सब कर रहे हो प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए या इंटरनेशनल बिडिंग करवाने के लिए, अगर आप ये तीन चीजों के लिए कर रहे हो, जैसे हम रोड बना रहे, कौन सा भी वो रोड अपना समृद्धि एक्सप्रेस बना रहे, तो हम इंटरनेशनल बिडिंग बुला रहे, कोई बना के देता क्या रोड करके, आओ बिडिंग करो, तो ऐसे केस के अंदर ये तीन चीजों के लिए अगर आप ये तीन चीजों के लिए आप कर रहे हो ना, तो परमिशन आपको लगेंगी क्या? नहीं सर, फिर आपको परमिशन नहीं लगेंगी, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है क्या? आप बात को समझे? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया तरीके से अपन लोग समझ गए। तो सर इंडिविजुअल ऐड दे तो चलेगा, बात केवल स्टेट गवर्नमेंट और पीएचयू के, जितना बोला उतने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, बाकी किसी और के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? ओके सर, अब बात करेंगे किसके बारे में सर? अब यहाँ पे बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसको मोस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो देखो क्या बोला जाए, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कोई भी बीएसएनएल बेस्ट है मेरे लिए, सेल भेल, ऐसे बहुत सारे पीएसयू है, अगर ये पीएसयू क्या करना चाहते हैं बेटा, वेसल को चार्टर्ड करते हैं, क्या करते हैं, वेसल को मतलब शिप को हायर करते हैं, और उसका जो फ्रेट होता है ना, वो फ्रेट का पैसा देने के लिए आपको मोस्ट की परमिशन लगेंगी। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट करते हो बेटा, कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या पीएसयू है, ये ओशन ट्रांसपोर्ट से इंपोर्ट करती है, सीआईएफ बेसिस के ऊपर मोस्ट की परमिशन। सर एफओबी बेसिस के ऊपर लगी परमिशन नहीं लगेंगी, एफएएस फ्री अलोंग साइड के ऊपर परमिशन नहीं लगेंगी, ये मैंने रेगुलर बैच के अंदर आपको डिटेल में बताया था, ठीक है? सीआईएफ कॉस्ट इंक्लूड फ्रेट वाले, इसमें मतलब घर तक पहुंच सुविधा, अगर वैसा करती है इंपोर्ट और ओशन ट्रांसपोर्ट से कर रही है, तो हम लोग कहेंगे सर यहां पे परमिशन मोस्ट की लगेंगी। इसके अलावा बेटा कंटेनर जो होते हैं ना, जब भी शिप ट्रैवल करती है तो वो बीच बीच में रुकते हुए जाती है, तो कंटेनर डिटेंशन चार्जेस लगते हैं, तो अगर ये डायरेक्टर शिपिंग जनरल से ऊपर के रेट है, तो आपको मोस्ट की परमिशन लगेंगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, यहां पे आपको मोस्ट की परमिशन लगना है, बिल्कुल शत प्रतिशत मोस्ट की परमिशन आपको यहां पे लगते हुए चलने वाली है, ठीक है? उसके बाद देखो फिर क्या बोला जा रहा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डीजीएस डायरेक्टर ऑफ शिपिंग जनरल। कब? अगर मैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हूं, मल्टी मॉडल का मतलब होता है सर मेरा, आपको मान लीजिए जैसे चाइना गुड्स भिजवाना है, मैं नागपुर में हूं, तो मैं नागपुर से मुंबई रोड से भिजवाऊंगा या ट्रेन से भिजवाऊंगा, फिर वहां से चाइना शिप में भिजवाऊंगा, फिर शिप में ट्रेन से करूंगा, मतलब मल्टीपल मोड्स का मैं प्रयोग करूंगा। अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा, मल्टीपल मोड ऑपरेटर मेरा बाहर चाइना में एजेंट है, मैं एजेंट को रेमिटेंस देना चाहता हूं, उसको पेमेंट देना चाहता हूं, तो मुझे डीजीएस की परमिशन लगेंगी, यानी कि डायरेक्टर ऑफ शिपिंग जनरल की परमिशन लगेंगी। सर मोइब और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परमिशन लगेंगी। कब? अगर सर मैं यहाँ पे ट्रांसपोंडर को हायर करता हूँ, ट्रांसपोंडर को हायर करता हूँ टीवी चैनल वाले या इंटरनेट सर्विस, जैसे नेशनल ज्योग्राफिक या हिस्ट्री चैनल है, वो वहाँ पे बेटा शूट करते हैं, वहाँ से ट्रांसपोंडर को अपन हायर करते हैं और वहाँ से वो क्या होता है, इंडिया में शो होता, तो ऐसे केस के अंदर ये ट्रांसपोंडर के हायरिंग चार्जेस लगते हैं, तो टीवी चैनल्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले, जैसे मैं आपको बताऊँ तो वो टेस्ला वाला ओनर नहीं कह रहा, तो उसके ना एक कंपनी है बेटा, वो क्या करती है, वो स्पेस में, समझना, उसने स्पेस में अपना सैटेलाइट छोड़ के रखा है जो इंटरनेट देता है, बराबर, तो अभी वो जहां पे वो पैलेस्टाइन के ऊपर हमला हो रहा था, तो वहां के लोगों को उसी ने इंटरनेट दिया था, समझ रहे, बोले सैटेलाइट से, वहां पे ऐसे वायर वायर नहीं आते, पीला वायर, हरा वायर, काला वायर आ रहा है, वो सब नहीं, सीधा बोले सैटेलाइट से इंटरनेट, ठीक है? तो बहुत सारी जो कंपनी से जो स्पेस वेस में, तो वो उन्हीं की सर्विसेज फिर लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ट्रांसपोंडर से वो ऐसा, आप समझ रहे बात को, तो ये हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर यहां पे आप लेते हो ट्रांसपोंडर से, तो अपन लोग कहेंगे उसके रेमिटेंस, उसके खर्चे के लिए भी आपको परमिशन लगेंगी, किसकी, मोइब की परमिशन या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। आपका क्या रिवीजन बढ़िया से हो रहा है क्या, बोलो जल्दी जल्दी खटाखट, सारे के सारे पॉइंट्स जा रहे कि नहीं जा रहे माइंड में, बिल्कुल जा रहे। सर अब मैं शेड्यूल 3 के ऊपर चलूंगा, कहां तक हो गया अपना मैं बता देता हूं, ये देखो अपना ये शेड्यूल 2 पूरा पूरा फिनिश ऑफ हो चुका है, अब मैं शेड्यूल 3 के ऊपर जा रहा हूं, मतलब इंडिविजुअल की फैसिलिटीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। बेसिकली शेड्यूल 3 क्या है,
ये लिमिट लगाता है इंडिविजुअल्स के ऊपर $2.5 लाख, मतलब ये जितने भी खर्चे हैं ना $2.5 लाख तक विदाउट परमिशन खर्चे कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी कंट्री में विजिट करना चाहते हैं, नेपाल और भूटान को छोड़ के, तो आप बिंदास खर्चा करो। सर नेपाल और भूटान में इंडियन करेंसी चलती है, वो इंडिया के भरोसे ही पल रहे बेटा, तो मतलब ऐसा बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो ऐसे केस के अंदर नेपाल और भूटान में क्या होता है कि नेपाल और भूटान के अंदर आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए, आप वहाँ पे इंडियन करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। तो काय को $2.5 लाख का यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर बोला गया गिफ्ट या डोनेशन आप देना चाहते हो तो एक काम करो, आप बिंदास तरीके से, आप समझ रहे, बिंदास तरीके से करो $2.5 लाख तक। लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे, आप एक काम करो ना, जाओ ना, हम आपको रोक थोड़ी रहे। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि $2.5 लाख तक। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाना सेटल होने के लिए, उसके लिए आपको $2.5 लाख तक पैसा चाहिए, बिंदास लो। फिर बोला गया अगर क्लोज रिलेटिव को मेंटेन, कोई बाहर रह रहा है बेटा, मान लो कजिन वाइफ बाहर रह रही है, मान लो कजिन भाई वाइफ बाहर रह रहे, तो ऐसे केस के अंदर उनको मेंटेन करने के लिए आपको खर्चे करना है, तो ऐसे केस के अंदर हम बोलेंगे $2.5 लाख तक करो। सर आप बाहर घूमने के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, मीटिंग एक्सपेंसेस हो गए, चेकअप के लिए हो गए, या कोई अटेंडेंट जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट जाता है, वो अटेंडेंट के भी जो खर्चे होते हैं वो $2.5 लाख तक आप कर सकते हो, क्या बिंदास कर सकते हैं। सर इसके अलावा सर एक्सपेंसेस मेडिकल ट्रीटमेंट का, पेशेंट का खर्चा $2.5 लाख तक करो, बाहर पढ़ाई करना है करो, इसके अलावा कोई भी दूसरे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है $2.5 लाख तक आपको अप्रूवल नहीं लगेगा, उसके ऊपर करना है लगे, आप कर सकते खर्चा, लेकिन आरबीआई का परमिशन लेना। क्या बोला, बोलो, आरबीआई का परमिशन लेना। अब देखो यहां पे क्या बोल के रखा है, अगर आप मेडिकल के लिए गए हो बेटा, या आप मान लीजिए कोई दूसरे खर्चे, जैसे देखो यहां पे फोर्थ पॉइंट में बोला गया इमिग्रेशन के लिए आप जा रहे हो, या मेडिकल के लिए जा रहे हो, या बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हो, और वहां की कंट्री बोलती है कि आपको $4 लाख लाना पड़ेगा करके, क्योंकि उतना खर्चा लगने वाला है एजुकेशन का, तो अगर वो रिटर्न में परमिशन देती है तो अपन लोग $4 लाख भी रेमिट कर देंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रेमिट कर दिया जाता है। क्या बोला, बोलो, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे रेमिट कर दिया जाता है। क्या आप बात को समझे? यस सर। इसके अलावा आप देखो और क्या बोला गया, सर अगर कोई पर्सन है हु इज रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, मतलब क्या, जो इंडिया में रह रहा है लेकिन 3 साल से ज्यादा इंडिया में नहीं रहेगा, तो उसे बोला जाता है रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट, है ना। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और वो सिटीजन है बेटा कोई फॉरेन का, पाकिस्तान को छोड़ के होना चाहिए, या कोई भी इंडिया में डेप्यूटेशन के ऊपर आ रहा है, बहुत सारे लोग आते हैं ना, वो मतलब दिल्ली में तो एक गली है बेटा, वहाँ पे पूरे ऑफिसर्स वगैरह बाहर के देश वगैरह के रहते हैं, कि इनकेस वहाँ के देश के लोगों को अगर कोई तकलीफ होती है इंडिया में तो उनको मदद कर पाए, तो वो अपनी नेट सैलरी, मतलब नेट सैलरी $2.5 लाख से ऊपर की होंगी, $3 लाख, $10 लाख, $50 लाख की नेट सैलरी वो दे सकते हैं, बस पाकिस्तान में मत देना, क्या पता आपने दिया वहाँ से बॉम्ब बन के आ गया, तो ऐसे कि ऐसा ही इनका पर्पज होगा शायद, इसलिए बोल के रखा है कि वहाँ पे देना, बाकी कहीं पे भी दे देना, ठीक है, आपको याद रहे, बस इसलिए बोल रहा हूं मैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है, चलिए आइए। नहीं तो अगर मैं बात, अब देखो यहां पे, अब बात कर रहे हैं यहां पे सर, अब ये हो गया कौन सा, सर ये यहां पे बात कर ली हमने इंडिविजुअल की फैसिलिटीज को लेके, $2.5 लाख तक बिंदास ये पैसा उड़ाओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपका पैसा आप उड़ा सकते हैं, हमको करेंसी दे दो इंडिया की और लेके जाओ हमसे डॉलर। तो ये अपन ने देखा। फिर इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा आप देखो यहाँ पे, अब अदर देन इंडिविजुअल के लिए कुछ तो भी लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो रेमिटेंस बाय द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई लगने वाला है। किसके लिए मैं बताता हूँ, मान लो सर अदर देन इंडिविजुअल कंपनीज हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई भी दूसरा, जैसे अल्टीमेट सी है, ठीक है, अब अल्टीमेट सीए डोनेशन देना चाहता है, कितना अल्टीमेट सीए डोनेशन देना चाहता है, एक लिमिट से ऊपर का, किसके लिए डोनेशन देना चाहता है, चेयर इन रेप्यूटेड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैं चेयर क्रिएट करना चाहता हूँ, सीट बुक करना चाहता हूँ, ताकि सोजवल को उधर भेज सकूँ, कि चाहे तू पढ़ गया फिर आने के बाद अल्टीमेट सीए को सर्व करना। ऐसी बहुत सारी कंपनीज, टीसीएस हो गई, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनीज टाटा के करते हैं, रिलायंस के करते हैं लोग, या बाहर के कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के फंड में यहाँ पे है ना कॉन्ट्रीब्यूट करते, बोले तुमने कुछ नया ढूंढना ना तो हमको बताना, R&D करके अगर तुम कुछ तो भी नया ढूंढोगे तो हमको बताना, या सर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या बॉडी या एसोसिएशन में आपने डोनेशन दिया ना, तो हम लोग कहेंगे कि आपको आरबीआई की परमिशन लगेगी। कब? जब आप एक लिमिट से ऊपर का डोनेशन करोगे। लिमिट क्या है बेटा? लिमिट है पिछले 3 साल की फॉरेक्स अर्निंग, पिछले 3 सालों में आपने जितना भी फॉरेन एक्सचेंज कमाया उसका 1%, और $50 लाख व्हिचएवर इज लेस। लिमिट कैसे निकलेंगी? 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग ड्यूरिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मान लो पिछले 3 सालों में $30 लाख की अर्निंग किया टाटा ने, तो इसका 1% कितना होगा बताइए जल्दी से सर? $30 लाख है, कितना है यहाँ पे?
$30,00,000 है, तो ऐसे केस के अंदर इसका 1% होगा सर, $30,000 इसका 1% होगा, तो $30,000 और $50,00,000 विचेवर इज लेस, तो लेस कितना आया, $30,000 लेस आया, तो मैं कहूंगा इतनी लिमिट होंगी। अब ये $30,000 के ऊपर डोनेशन देना है तो परमिशन लगेंगी, $30,000 के नीचे देना है तो परमिशन लगने वाली है क्या, नहीं लगने वाली है, ऐसा बोल रखा है। अब देखो नेक्स्ट, उसके अलावा देखिए, अब यहाँ पे कमीशन पर ट्रांजेक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स, मान लीजिए मैं हीरा नंदानी के बारे में बात करूंगा, लोढ़ा डेवलपर्स के बारे में बात करूंगा, या बड़े बड़े कॉन्क्रीट डेवलपर्स के बारे में बात करूंगा, ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स की में बनाते हैं और एकदम लैविश बनाते हैं। अब इनका है कि यार इंडिया में कहाँ बेचूँ, बहुत चिंदगी करेंगे, आएंगे और बार्गेनिंग करेंगे, एक काम करेंगे बाहर के लोगों को चिपकाते हैं अपन, तो ये लोग बाहर के एजेंट्स को बोलते हैं तू प्लॉट्स को सेल कर, क्या कर, रेसिडेंशियल फ्लैट्स को बेच, कमर्शियल प्लॉट्स को बेच, तो अब वो एजेंट काम करेगा तो एजेंट का कमीशन बनेगा, तो इनका कहना है कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट अगर एक लिमिट के ऊपर होता है तो आपको आरबीआई के परमिशन लगे, लिमिट से नीचे परमिशन की जरूरत नहीं। लिमिट के बारे में बात करूं, $25,000 या इनवर्ड रेमिटेंस, मान लो जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल $100,00,000 का इनवर्ड, वो फ्लैट जो बिका वो $100,00,000 का, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया मैंने, पर $100,00,000 का बिका, तो उसका 5% कितना होगा बेटा, $500,000 और $25,000 whichever is more तो मोर कौन सा है बोलो जल्दी से, मोर है $500,000, तो $500,000 के ऊपर अगर आपने कमीशन दिया तो परमिशन लगेंगी, लेकिन $500,00,000 के नीचे दिया तो परमिशन लगने वाली है क्या, नहीं सर नहीं लगने वाली है, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है क्या, आप बात को समझे, सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो हाँ सर समझ गए करके बोलो ना मुझे फटाफट, है ना। चलो अब बात क्या किया जा रहा है सर, मान लो अगर हम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज ले रहे हैं तो अगर $1,00,000 कितना बोला यहाँ पे बोलो, सॉरी $1,00,000 मतलब $1,00,000 प्रति प्रोजेक्ट, अगर कंसल्टेंसी सर्विसेज है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो $1,00,000 तक आप ले सकते हो और $1,00,000 तक आप ले सकते हो, अगर अदर कंसल्टेंसी है बेटा तो आप $1,00,000 तक का खर्चा कंसल्टेंसी के ऊपर कर सकते हो। इसके अलावा सर अगर कोई भी आप यहाँ पे रेमिटेंस दे रहे हो, मान लो सर बाहर की किसी कंपनी ने इंडिया में कंपनी खोला और अब ये कंपनी बनने के बाद प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भेजना चाहती है उनको, तो ऐसे केस के अंदर क्या बोल दिया गया कि अगर आपका रेमिटेंस एक्सीड करता है 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $1,00,000 तो ये लिमिट लगा दी व्हिचएवर इज हायर, तो ये लिमिट के ऊपर गया तो आप नहीं मतलब आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उससे नीचे गया तो परमिशन लेने की जरूरत है क्या, नहीं सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऊपर केस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आया तो फ्रीली परमिसिबल माने जाते हैं, अप्रूवल नीड लेने की जरूरत है क्या, 2 और 3 में अप्रूवल मतलब रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट एक होता है बेटा, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट का मतलब वो क्या होता है, अगर कोई रेसिडेंट है तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता है, तो अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट में से ही मैं शेड्यूल 2 और 3 के लिए कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो मुझे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक ईईएफसी अकाउंट करके होता है, क्या होता है बोलो जल्दी से, ईईएफसी अकाउंट करके होता है, तो ईईएफसी अकाउंट के अंदर से भी अगर मैं पेमेंट करता हूं ना तो मुझे एग्जेम्पशन मिल जाता है, कौन सी चीज के लिए बेटा, शेड्यूल 2 और 3 के लिए मुझे यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता है, किसके लिए, शेड्यूल 2 और 3 के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ईईएफसी से परमिशन किया दो चीजों के लिए, एक तो पीएनआई क्लब हुआ और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या कमीशन ऑफ फ्लैट वाला नहीं था क्या, वो ये तीन चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, तीन चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है अगर ईईएफसी से भी पेमेंट किया तो, एक तो कौन सा, रेमिटेंस ऑफ पीएनआई क्लब है, फिर वो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस वाला जो देखा था और फ्लैट्स वाला जो देखा था ना, 25,000 या 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस व्हिचएवर इज मोर, ये एक लिमिट थी, लिमिट के ऊपर पेमेंट करना है और भली ईईएफसी से करना है फिर भी आपको परमिशन लगने वाली है आरबीआई की, ऐसा यहां पे बोल के रखा है क्या, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा यहां पे रखा है, ठीक है। चलो अब मूव करेंगे नेक्स्ट वाली चीजों के ऊपर, ये अपना खत्म हुआ। फिर बोला गया सर मैं इंटरनेशनल, मेरे पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, बिंदास खर्चा कर सकता हूं अगर मैं शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो। एक एलआरएस क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं अभी, एलआरएस मतलब क्या होता है, जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है ना और जो कैपिटल अकाउंट के परमिसिबल ट्रांजेक्शन है, ये दोनों मिलकर आप $2,50,000 तक खर्चा कर सकते हो, उसके ऊपर आपको आरबीआई की परमिशन लगने वाली है। सर अगर माइनर का एलआरएस, पर्सन वाइज एलआरएस यहाँ पे होता है, कंसोलिडेशन सकता है क्या, रेमिटेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स का बिंदास कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर जैसे कि ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट या बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कंसोलिडेट कर दो हम सबके एलआरएस की लिमिट को, हम बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। हाँ लेकिन शिल्पा शेट्टी और उसका हस्बैंड अगर मिलकर जॉइंट ओनर मिलकर अगर वो बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना तो वो को ओनर बन गए, तो वहां पर हम लोग एलआरएस को क्या कर देंगे, कंसोलिडेट कर देंगे, समझ रहे क्या,
मतलब मैं इंडिविजुअली फ्लैट खरीदना, मैं ये बोलता कि मेरे वाइफ के लिमिट को भी मेरे अंदर डाल दो, ऐसा नहीं चलता। लेकिन हाँ, मेरी वाइफ भी अगर को ओनर बन रही है उसके अंदर, तो मैं फिर एलआरएस को क्या करूंगा, मैं बोलूंगा आप मेरे को अब कितने की लिमिट, $5 लाख की लिमिट दो। सर मान लो मेरे पप्पा मम्मी को भी इंक्लूड कर लिया, $10 लाख की लिमिट दो। आप समझ रहे बात को, कंसोलिडेशन तभी चलाउड है जब को ओनर बनते हैं। सर को ओनर नहीं तो कंसोलिडेशन नहीं, बराबर। चलिए आइए मित्रों, अब बात करेंगे किसके बारे में। सर अब हम लोग चर्चा करेंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शन जो अल्टर करते हैं असेट लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया, या मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर कोई पीआरओआई है तो पीआरओआई के इंडिया के असेट या लायबिलिटी को अगर चेंज करते हैं तो उसे भी क्या बोला जाता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को आप केवल और केवल तब परमिट कर सकते हो, मतलब अगर वो परमिशन दी गई है तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कर सकते हैं क्या? नहीं सर, आप तब तक नहीं कर सकते, ऐसा यहां पे बोल रखा है, समझे क्या? ये सर, आप फॉरेक्स से अथराइज पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, लिमिट्स के अंदर आपने ड्रॉ करना है। सर आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिबेंचर हो गया तो वो परमिसिबल के लिमिट बताएंगी, लिमिट बताएंगी और कंडीशंस भी इम्पोज करेंगी कि कब कब ये ट्रांजैक्शन किया जा सकता है करके, ठीक है। इसके अलावा 2A क्या कहता है कि अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्टेट करेंगी किसके बारे में? आरबीआई के बारे में, किसी भी क्लास ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जिसमें डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। अब डेट नहीं है तो क्या हुआ? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर हो गया कि कौन से परमिसिबल ट्रांजैक्शन है, लिमिट क्या है और इसके अलावा कंडीशंस क्या है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करके रूल्स को ला सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे ला सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या आप बात को समझे क्या? सारे लोग जल्दी से बोलो मुझे, क्या आप इस बात को समझे क्या? यस सर। अब एक और बात यहाँ पे बोली गई है, अब ये वही वाली चीज है कि सर एनी पर्सन यहाँ पे अथराइज पर्सन के बिना कुछ नहीं कर सकता। आरबीआई के पास पावर है कि वो आरबीआई कंसल्टेशन विद सीजी करके तीन चीजें करे, डेट इंस्ट्रूमेंट इसमें इंक्लूडेड है, सीजी इन कंसल्टेशन विद आरबीआई यहाँ पे परमिसिबल ट्रांजेक्शन के बारे में बताए, लेकिन इसके अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकते, मतलब कि इक्विटी और बाकी सब चीजें चलता है। इसके अलावा देखो और क्या बोला गया, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है अगर और वो होटी करता है, मतलब क्या होल्ड ओन ट्रांसफर या इन्वेस्ट करता है कौन सी चीज को? फॉरेन करेंसी को, फॉरेन सिक्योरिटी को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, जो इफ सच करेंसी या सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड हेल्ड या ओन्ड बाय पर्सन व्हेन ही वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया या इनहेरिटेड फ्रॉम पर्सन आउटसाइड इंडिया। मैं बात करूंगा वार्नर के बारे में। वार्नर बड़ा बेटा रील बना जाता है इंडिया के गानों पे। अब वार्नर मान लो रिटायर होकर इंडिया में आ जाता है, इंडिया में आ गया, 182 डेज से ज्यादा रह गया तो अपन उसको पीआरआई बना लेंगे। अब अगर उसको अपन 182 अगर वो मतलब वो तीन पर्पस के लिए आया तो पीआरआई बन गया, और वो अब क्या कर रहा है आप सोच के देखो ना, जो वार्नर है वो इंडिया के बाहर क्या करता है? होल्ड करता है या ओन करता है या वो ट्रांसफर या इन्वेस्ट करता है किसी भी बाहर के करेंसी में, जैसे ऑस्ट्रेलियन करेंसी उसके पास पड़ी होंगी या फॉरेन से ऑस्ट्रेलियन कंपनीज की सिक्योरिटीज उसके पास होंगी, वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगी, घर होंगे, जो कहाँ सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया। और ये उसने कब लिया बेटा? जब वो इंडिया के बाहर रहता था तब लिया, या उसके पिताजी से उसको इनहेरिट हुआ? तो मैं कहूंगा इसे भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर समेटेंगे क्या? बिल्कुल समेटेंगे। अब इसका रिवर्स कर दो, अगर कोई पीआरओ है, मतलब पहले कोई इंडिया में रहता था, वो इंडिया के बाहर चले गया बेटा, तो जब वो इंडिया में रहता था तब उसके पास इंडियन करेंसी सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, जो एक तो उसने खरीदा होगा या उसको एक्वायर किया होगा या मान लो उसको इनहेरिट हुई होंगी, मतलब ऐसा इनहेरिट हुई होंगी। तो ऐसे केस के अंदर ये सारे ट्रांजैक्शंस को भी अपन कैपिटल के अंदर लपेटते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कैपिटल के अंदर लपेटते चलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये वाली बात है, ठीक है ना। चलो तो फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई पीआरओ आया था वो इंडिया में आ जाता है तो वो उस समय जब वो बाहर था उसने बाहर में असेट सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा होगा, अब वो उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस कर रहा है बेटा तो अपन कैपिटल अकाउंट मान लेंगे। कोई पीआरओ आया था जो इंडिया के बाहर चले आता है और अब उसके पास जो इंडियन करेंसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड कोई भी अल्टरेशन वो कर रहा है, अपन अगेन उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। चलिए परमिसिबल ट्रांजेक्शन के बारे में बात करेंगे, ऐसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो परमिटेड होते हैं, ठीक है ना, जो होते हैं बिल्कुल बिल्कुल अलाउ होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो शेड्यूल वन बात करता है जो पीआरआई के द्वारा परमिसिबल है। अब पीआरआई क्या होता है आप जानते हो, और शेड्यूल टू बात करता है जो पीआरओआई को यानी कि जो इंडिया के बाहर है उनके लिए परमिसिबल ट्रांजैक्शन के बारे में यहां पे बातचीत करते हैं, ठीक है। अब देखो पीआरआई के बारे में बात करूंगा। सर अगर कोई एमबी सर को अपन लपेट लेंगे इसमें, अब एमबी सर है बेटा क्या वो फॉरेन सिक्योरिटी, दुबई में कोई कंपनी है उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, एप्पल के शेयर्स खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, गूगल में प्राइवेट
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाहर की फॉरेन सिक्योरिटी अलाउड है। सर फॉरेन करेंसी में लोन लेना चाहते हैं तो क्या अलाउ है क्या? बिल्कुल। एमबी सर कहते हैं दुबई से लोन लूंगा, धीरेन में लोन लूंगा, एमबी सर कहते हैं डॉलर में लोन लूंगा, तो बिल्कुल ले सकते हैं क्या? यस सर। सर एमबी सर बाहर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, बिंदास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमबी सर क्या करते हैं बेटा, पीआरओआई ने मान लो बिल गेट्स ने क्या लिया, लोन लिया, उसके फेवर में गारंटी इशू करते हैं मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को, तो ऐसे केस के अंदर मुझे आप एक बात बताइए, ये जो गारंटी दिया ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, इसलिए कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। या एमबी सर मान लीजिए डॉलर को होल्ड करके रखते हैं, करेंसी नोट इनके पास पड़े हुए हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाता है। सर लोन से ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे पीआरओ को एमबी सर ने बाहर वाले को लोन दिया, चुंगली को लोन दिया, पीटर को लोन दिया, और किस किस को लोन दिया एमबी सर ने, मैं कहूंगा ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। सर फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया या इंडिया के बाहर पीआरआई मेंटेन करके रखता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि असेट में आता है, असेट में कैसा है, करंट असेट में बैंक अकाउंट आता है बेटा, ठीक है, ऊपर के करेंसी नोट कैश इन हैंड माना जाता है। इसके अलावा सर अगर मैं बाहर से इंश्योरेंस पॉलिसी निकालता हूं, परमिसिबल ट्रांजेक्शन होता है। सर मान लो मैं पीआरओआई मतलब जो पीआरआई है वो पीआरओआई से लोन से ओडी लेता है, परमिसिबल ट्रांजेक्शन है। इंडिया के बाहर कोई कैपिटल असेट को परचेस कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड रेमिटेंस देना है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में बिल्कुल अलाउड होता है। और NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि ऑप्शंस या फ्यूचर्स में खेलना चाहता हूँ, मैं बिंदास कर सकता हूँ, इसे भी परमिसिबल ट्रांजेक्शन की लिमिट के अंदर डाला जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लिमिट के अंदर डाला जाता है। क्या आपने ये शेड्यूल वन पढ़ा है? बोलो जल्दी से मुझे, देख लो ये पूरा के पूरा शेड्यूल वन यहाँ पे देख के रखा है, ठीक है ना। तो ये परमिसिबल ट्रांजेक्शन की लिमिट है, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो पीआरआई को परमिट है, मतलब कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है तो बाहर की सिक्योरिटी ले सकता, बाहर से लोन ले सकता, इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, गारंटी दे सकता, करेंसी नोट्स होल्ड करके रख सकता, लोन ओवरड्राफ्ट दे सकता है, लोन ले सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट रख सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, कैपिटल अकाउंट का ट्रांसफर कर सकता है, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है। शेड्यूल टू के बारे में बात करूंगा जो PROI से रिलेटेड होता है, कि अगर कोई PROI है तो वो कौन से ट्रांजेक्शन कर सकता है। तो अगर कोई PROI है बेटा तो वो इंडिया के अंदर, देखिए यहाँ पे तो इंडिया की सिक्योरिटीज मतलब वो रिलायंस, कोई मान लीजिए वार्नर के बारे में बात करूंगा, रिकी पॉन्टिंग के बारे में बात करूंगा, वो इंडिया के कंपनी के सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है, खरीद सकता है। सर वो इंडिया के किसी कंपनी में कैपिटल के तौर पर या प्रोप्राइटरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के तौर पर कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहता है, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, अलाउड है। गारंटी, मैं लोन ले रहा था, रिकी पॉन्टिंग बोलता है मैं गारंटर बनूंगा, बिंदास बनो सर, गारंटी भी दे सकता है। वो इंडियन की करेंसी होल्ड करके रखता है, बिल्कुल अलाउड है, कैश इन हैंड माना जाता है। सर मान लो पीआरआई और पीआरओआई के बीच में, अब मैं पीआरआई हूं, मैं अपने कंपनी में है ना डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा हूं, अब एक पीआरओआई मेरे कंपनी में डिपॉजिट्स का पैसा देता है, मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल अलाउड माना जाता है। फॉरेन करेंसी अकाउंट है, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करने का पैसा, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, बाकी सब सेम है, केवल दो पॉइंट अलग है। पहला है बेटा डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, पीआरआई डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, पीआरओआई से कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। और दूसरा अगर मान लीजिए सर यहाँ पे दूसरा वाला क्या है कि इंडिया में किसी कंपनी में कैपिटल का पैसा वो लगा रहा है, तो मैं कहूंगा आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल अलाउड माना जाता है क्या? यस सर, बिल्कुल यहाँ पे अलाउ किया जाता है। सर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, मान लो मैंने बेटा डॉलर में लोन उठाया, अब वो लोन 5 साल का था, $5,00,000 उठाया, हर साल मेरे को $100,000 पे करते रहना है, उसके ऊपर का ब्याज देना है, मैं एक ही बार में पूरा पैसा देना चाहता हूँ या मैं सेकेंड ईयर में पूरा पैसा लौटाना चाहता हूं, मतलब मैं लोन को प्री पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या चलता है? क्या बिंदास चलता है? सर मुझे कोई रोक नहीं सकता, ध्यान रखना गवर्नमेंट कहती है अच्छा है आने वाले साल का, देखो आने वाले साल $500,000 तो जो मुद्दल है वो तो देना ही देना है, क्योंकि वो पैसा आया भी था तो देना है, लेकिन जो ब्याज का पैसा है वो बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तू कर दे प्री पेमेंट। दूसरा बोला गया डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर मान लीजिए आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी खोली सिंगापुर में, सिंगापुर ने मुझे कहा कि हम आपको 10% का टैक्स लगाएंगे, बाकियों को 15% लगाते हैं, लेकिन आपको 10% बस आपको नेटवर्थ मेंटेन करना पड़ेगा 10,000 करोड़ का। अब क्या हुआ, मेरे को लॉस हो जाता है 2,000 करोड़ का पहले ईयर में, तो 8,000 करोड़ मेरी नेटवर्थ यहाँ पे रह जाती है, तो मैं IGPP से अब 2,000 करोड़ और कैपिटल इन्फ्यूज करना चाहता हूँ। मतलब सर ये जो मेरी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिप्रिशिएट हुई है ना, मैं उसको फिर से बढ़ाना चाहता हूँ, तो डिप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मतलब वो उसका इफेक्ट
नहीं आने के लिए मैं यहाँ से 2000 करोड़ रुपए भेज रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज में, चलता है चलता है चलता है, मेरे को अलाउ किया जाता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि कल चल के जब इस कंपनी में प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट बोलेंगी तुम लाओगे कहाँ पैसा, पैसा तो इंडिया में ही लाओगे ना, तो हम आपको बिल्कुल बिल्कुल अलाउ कर देते हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें आपके साथ, अब देखिए यहाँ पे प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करेंगे। सर ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो आप कर ही नहीं सकते? तो देखो क्या बोला, कोई भी, अब ये पहला जो ए वाला पार्ट है, मैंने इसको ए और बी पार्ट में क्लासिफाई करके रखा है। तो देखो पीआरआई के लिए पहला प्रोहिबिशन कि कोई भी पर्सन विड्रॉ नहीं कर सकता फॉरेन एक्सचेंज को ऑथराइज पर्सन से किसी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। आए बैंगन, मतलब क्या? आप सोच के देखो, ऊपर सर परमिसिबल बोला, नीचे आप क्या बोलते हैं कि आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, फिर उसका भी एक्सेप्शन दिया, मतलब अगर ये चीजें हैं तो कर सकते हैं। यानी कि क्या, अगर एक पीआरआई है बेटा, वो ऑथराइज्ड पर्सन से $2,50,000 तक प्रति फाइनेंशियल ईयर उठाना चाहता है पैसा, उठा लेना, और वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और परमिसिबल करंट, मतलब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म कर लेना। और ये अच्छा मुझे बताइए सर, परमिशन कब लगेंगी? जब $2,50,000 के ऊपर पैसा लग रहा है तो आरबीआई की परमिशन लगेंगी क्या? हां सर, आरबीआई की परमिशन लगेंगी $2,50,000 के ऊपर, ऐसा यहां पे बोल के रखा है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होती है, LRS करके स्कीम है, जिसने बोल के रखा है कि सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो परमिसिबल है और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए आप $2,50,000 का फायदा ले सकते हैं, तब तक परमिशन नहीं लगेंगी, उसके ऊपर तो फटके देंगे हम आपको, अगर आप करो तो खर्चा फिर बताते हैं हम आपको, है ना? ऐसा नहीं बोला है, लेकिन उसका मतलब वही है ना, जो परमिशन लेने की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वही निकल के आता है फिर, ठीक है। चलो अब देखो, और अब सर बात करेंगे PROI के बारे में। तो इनका कहना है कि PROI है ना, वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में अगर करता है कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में, तो वो एंटिटी ये सारे धंधे नहीं कर सकती। मतलब सर PROI ऐसे बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता जिसका धंधा है बेटा चिट फंड का, एक प्रकार से लॉटरी का धंधा है। तो आप वो अगर ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या कैपिटल दे रहे हो जो लॉटरी का धंधा करते हैं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाराज हो गई, बोले हमारा रेवेन्यू की आप ऐसी तैसी करा रहे हो, तो इसलिए एक्सेप्शन दिया। स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन है और बैंकिंग चैनल से पैसा आ रहा है और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पर, मतलब क्या, पैसा इंडिया में तो जरूर आएगा लेकिन इंडिया से बाहर वापस पैसा नहीं जाएगा, नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस उसे बोला जाता है। तो इंडिया में पैसा रिपैट्रिएशन मतलब वापस अपने देश में ले जाने हम आपको देंगे क्या? नहीं सर, वापस आपके देश में ले जाने नहीं देंगे। तो अगर नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस के ऊपर पैसा होता है तो हम आपको अलाउ करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर चिट फंड का पैसा है बेटा, लेकिन वैसे तो डिसअलाउड है, लेकिन अलाउ कब हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट ने किया, बैंकिंग चैनल से किया और नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे किया, तो हम लोग कह लेंगे क्या ये अलाउड माना जाता है, बिंदास तरीके से ये अलाउड यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो, निधि कंपनी में पैसा है भैया, अब आपको लगाने नहीं देंगे, क्योंकि निधि कंपनी मतलब लोगों के बीच में सेविंग्स, प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग्स के लिए आ रहा है, तो हमारा वो अलग उसका पर्पस है, अब आपको अलाउ नहीं करने देंगे। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में बिल्कुल ही नहीं, इंडिया की 50-55% जो जनता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। ये बाहर की विदेशी कंपनी आ गई ऐसी तैसी कर डालेंगे, तो ये धंधों में हम आपको पैसा नहीं डालने देंगे। उसके बाद देखो फिर क्या बोला गया, सर अगर कोई रियल एस्टेट बिजनेस है या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस का बिजनेस है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कोई टाउनशिप बना रहे हो, जैसे वो ट्रम्प टावर बनाए गए, फिर रोड या ब्रिजेस बना रहे हो, फ्लैट्स बना रहे हो, या रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हम आपको बिल्कुल बिल्कुल अलाउ करेंगे, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये चार चीजों में अलाउ कर देंगे हम आपको, क्या बोला बोलो, ये चार चीजों में हम आपको अलाउ करेंगे, बाकी चीजों में अलाउ करेंगे क्या? नहीं सर। फिर बोला गया ट्रेडिंग ऑफ TDR में अगर आप पैसा डालना चाहते हो, तो अगेन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैं आपको रीट्स का मतलब समझा देता हूँ, देखो क्या होता है सर, बहुत सारी, अब मान लीजिए मेरे को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को प्रॉपर्टीज खरीदने में, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए लगता है। अब ऐसे केस के अंदर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास 4-5 हज़ार रुपये महीने का बचता है, मैं उसको प्रॉपर्टीज में डालना चाहता हूँ, तो एक क्या होता है, एक कंपनीज होती है, जैसे म्यूचुअल फंड सही है बोलते नहीं क्या, वैसे एक कंपनीज होती है, वो कंपनीज क्या करती है, ऐसे बहुत सारे लोगों से पैसा लेती है, 5,000, 4,000, 2,000, 1,000, 500 रुपए, ऐसे बहुत सारे पैसा लेती है। अब उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब लक्षद्वीप बहुत ज्यादा चल रहा, तो बोले लक्षद्वीप में लैंड एक्वायर कर लो, ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज में पैसा इन्वेस्ट करती, फिर इनको जो फायदा होता है वो डिविडेंड के स्वरूप में वापस मुझे दे देती है। और ये जो रीट्स होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं, एक पर्सन से शेयर की तरह एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो रीट्स में पैसा डालना चाहती है, बिंदास डाल देना। अच्छा TDR क्या होता है,
मान लो यहाँ पे एक रोड बना रहे थे, अब नितिन गडकरी जी बोला कि ये मेरा यहाँ पे, मेरा यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे फार्म है मेरा, उसके ऊपर से रोड ले जाना है इनको। तो यहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं कि एक तो आप पैसा ले लो, नहीं तो आप टीडीआर ले लो। मैं कहता हूँ चलो मुझे टीडीआर दे दो, और मुझे टीडीआर मिला। तो अभी क्या होता है, ये जो टीडीआर होता है ना, अब ये टीडीआर से मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 5,000 स्क्वायर फुट का प्लॉट है और मेरे को एलिजिबल कंस्ट्रक्शन मेरा 6,000 स्क्वायर फिट का है। अब मेरे को उसके ऊपर और मंजिली बनाना है, तो मैं टीडीआर को लोड करूंगा तो मेरे को गवर्नमेंट अलाउ कर देती है, ठीक है। तो बिल्डर्स लोग जनरली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो इतने लंबे लंबे बिल्डिंगे बनाते हैं वो इसलिए बना सकते हैं क्योंकि परमिशिबल, मतलब टीडीआर जब वो लोड करते हैं तो उनको परमिशन मिल जाती है, तो इसलिए यहाँ पे टीडीआर का काम आता है। तो बोला ये टीडीआर वगैरह कभी आप ट्रेडिंग के लिए इंडिया में नहीं आ सकते, आपके पास पैसा है आप डालोगे और बिल्डर तो रेडीज बैठे, तो मुंह बोले दाम में उनको आप दोगे तो हम आपको नहीं करेंगे क्योंकि आप फिर बाहर बहुत सारा पैसा इसका लेके जाओगे। इसके अलावा बोल के रखा है कि सर आप कोई भी ट्रांजैक्शन समझना, जो सिटीजन ऑफ कोरिया है ना बेटा, आप उनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन इनकर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी, मतलब हमसे सुनती नहीं है, वो कंट्री हमारी, उनका अलग ही चलता है, वो नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया बोल के रखा है शायद, तो साउथ कोरिया आई थिंक सो इसके अंदर। और बोल के रखा है जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन है उसको 180 दिन के अंदर रफा दफा करो और चीजों को निपटा दो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोल के रखा है, यहाँ पे हाँ ये $2,50,000 एग्रीकल्चर हुआ। तो देखो पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बारे में बात किया है यहाँ पे, वो है नहीं कि हिटलर उनका कौन, किम जोंग कुछ तो भी नाम है उसका, है ना। तो आप याद रख लेना BTS वाले, उनसे कोई रिश्ता नाता मत रखो बेटा, और अगर कोई चल रहा है तो 180 दिन के अंदर पूरा उनके साथ रिश्ते नाते खत्म कर डालो, डिस्पोज ऑफ कर डालो, यहाँ पे अपना पूरा फेमा हो जाता है कंप्लीट। वन शॉर्ट सेशन में क्विक रिविजन हम लोगों ने कर डाला है सारे चीज़ों का, आप इसको एक दो बार जब देख लेंगे तो आपको अच्छी खासी कंसेप्चुअल क्लैरिटी फेमा के अंदर आ जाएंगे और आप कोई भी क्वेश्चन को कर पाएंगे क्या, डेफिनेटली यहां पे कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना, होप सो आपको सेशन पसंद आया हो, सेशन पसंद आया लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप हमसे रेगुलर क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपको, मैं आपको CA फाउंडेशन का लॉ और CA इंटरमीडिएट का ऑडिट पढ़ाता हूं। आपको ultimatecA.com के ऊपर जाना है, CA इंटर न्यू सिलेबस पे क्लिक करना है, यहां पे आप सर्च करेंगे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो यहां पे आपको कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस दिख जाता है। अभी November 24 के लिए मेरे रेगुलर सेशन यहां पे चालू होने वाले हैं, तो जरूर से अपने जूनियर को बताइएगा कि हमारे सेशन चालू होने जा रहे हैं 15th February से, लाइव रिकॉर्डेड दोनों ऑप्शन है। अगर उसे चाहिए तो रिकॉर्डेड के अंदर आपको चाहिए कि मेरे को पुराने पूरे लेक्चर्स मिल जाए, क्योंकि वो तो जो May 24 के लिए लेक्चर्स है वो क्या होते हैं, वो एलिजिबल होते हैं November 24 के लिए भी, तो वो एक साथ पूरे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी बाय कर सकता है और फटाफट कोर्स को निपटा सकता है। इसके अलावा फ्रेश बैच की रिकॉर्डिंग चाहिए तो ऊपर वाला ऑप्शन आता है, लाइव बैच चाहिए तो ये आता है, 9 months and 3 views मिलते हैं। व्यूज़ का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का लेक्चर है, 180 मिनट तक बन चालू आगे पीछे जितना देखना उतना देखो, वो वीडियो को 180 मिनट तक आप किसी भी प्रकार देख सकते हैं ऐसा। अब बोलेंगे सर व्यू कम नहीं हो गया क्या, कुछ कम नहीं होता, बाकी जगह 1.5 1.8 रहते हैं, हम 3 views दे रहे हैं, आप एक व्यू भी अच्छे से कंप्लीट कर लो ना, मोर देन इनफ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक व्यू सिर्फ। आप सोच के देखो 2 घंटे का क्लास रहेगा, आप क्या उसको एक और बार देखोगे, तीसरी बार, इतना समय ही नहीं बचता बेटा, 9 महीने के अंदर 6 सब्जेक्ट को पढ़ना है, 6 महीने तो आपके इसी में निकल जाएंगे, उसके बाद बचे हुए 2.5 महीने में आप रिवीजन करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करोगे कि क्या क्या करोगे, तो ऐसे केस के अंदर टाइम बचने वाला है क्या, नहीं सर, ठीक है। चलिए चले क्या, बोलो जल्दी से मुझे, क्या मैं आगे बढ़ूँ क्या, यस सर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना। चलिए आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी ऑल इन दी नेक्स्ट इसमें, ठीक है बेटा। मैं आपको बता दूं पीयूष, तो आप अमेंडेड वाली चीज देखिए, आप जो देख रहे हैं वो पुराने इसमें देख रहे होंगे, मैं जो देख रहा हूँ वो लेटेस्ट इंस्टीट्यूट का मटेरियल देख रहा हूँ, तो कृपया, और अगर आप जो बोल रहे हैं ना वो November 24 के लिए चेंजेस है, आपके लिए चेंजेस वही एप्लीकेबल होते हैं जो नवंबर, जो अक्टूबर से पहले आते हैं, ठीक है, उसके बाद के जितने भी चेंजेस 6 महीने के चेंजेस आपके लिए अप्लाई नहीं होते हैं, तो प्लीज अननेसेसरी खुद पे, मतलब ये मत कर लेना, डाउट मत कर लेना, और पता चला सही करने के चक्कर में भयंकर गलत करके आ गए वहां पे, ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।